ब्रेड के वड़े। ब्रेड के साथ जिन चीजों की आवश्यकता है वो तो आपने देख ली। अब ये जो ब्रेड है इसके जो हिस्से हैं साइड के, यानी कि इन्हें काट लें और इसके छोटे टुकड़े इस तरह से करके इस बोल में डाल लिए। अब मेरे पास है प्याज, एक प्याज को बारीक काट लेते हैं। ये प्याज को इसी बोल में, ब्रेड के बोल में डाल लेता हूँ। ये इसके साथ ये जो हरी मिर्चें हैं ये भी 2 से 3। हरी मिर्चों का खास जो पहचान है वो यही है, ये अगर ज़्यादा डार्क है तो बहुत तेज़ है, इसलिए ध्यान से डालिएगा। हरी मिर्चें इसमें, कुछ करी पत्ता वो मैं हाथ से ही तोड़ के डाल लेता हूँ इस तरह से। थोड़ा सा जिंजर, इस तरह से जिंजर को स्लाइस करना है और फिर सब इकट्ठा करके बारीक काट लें। ये सब चीज़ें जो है इसी बोल में। अब मेरे पास है छोटा चम्मच जीरा, यहाँ पे पीनट्स है मेरे पास जो मैंने क्रश करके रखे हैं वो भी इसमें डाल लेते हैं। और क्या डालना है, मेरे पास है राइस फ्लावर, इसमें डालेंगे राइस फ्लावर, दही। ये तो बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर आपने वड़े बनाने तो उसमें हल्की सी खटास चाहिए और वो सिर्फ इंस्टेंटली दही से आ सकती है। और दही से क्या होता है, बैटर यानी कि जो हम डो बनाएंगे इसे क्रश करके वो भी थोड़ा क्रीमी और स्मूथ बन जाता है। साथ साथ डालेंगे चुटकी भर सोडा। अब इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लेना है ताकि ब्रेड भी क्रश हो जाए और सारी चीज़ें बढ़िया तरीके से मिल जाएं। ये देखिए बढ़िया डो बन गया है, अब ऑलमोस्ट सारा ब्रेड भी क्रश हो गया। एक चीज़ तो डालनी बहुत ज़रूरी है, नमक। तो ये डल गया नमक। ये कितना आसान है बताइए, नहीं तो जो मेदू वड़े बनाने होते हैं उसे आप दाल पीसें, चावल भिंगोएं, कई सारे काम करने होते हैं, वो भी अच्छे बनते हैं, लेकिन ये फटाफट बनेंगे और बढ़िया बनेंगे, इस बात की गारंटी मैं देता हूँ। नमक के बाद इसमें आखिर में थोड़ा सा हरा धनिया चॉप, ताकि जो वड़े बने इसमें थोड़ी सी फ्रेश फील भी आए, तो वो हरा धनिया से आएगी। बारीक कटा हुआ हरा धनिया, ये काट लिया हमने हरा धनिया और मिला लेंगे इस डो में अच्छी तरह से। ये मिक्स कर लिया है धनिया। अब मैंने यहाँ पे तेल जो है वो गरम करने रखा है, तो तेल तो गरम चाहिए हमें। सबसे पहले थोड़ा सा मैं हाथों में तेल ले लेता हूँ, इस तरह हथौलियों पे तेल ले लूँ और इस तरह से छोटे छोटे बॉल्स जो है बना के अपने हथेलियों पे फ्लैट करूँ। और फ्लैट करने के बाद क्या करना है, देखिए इस तरह से मैं कर रहा हूँ और छोटी फिंगर के साथ होल बना लिया और दोनों तरफ से होल बना लिया। ये बन गए बिल्कुल इंस्टेंट मेदू वड़े। अब मैं और कई सारे बना लेता हूँ। एक काम करेंगे, ये जो करी पत्ते हैं इसे भी गरम तेल में इस तरह से फ्राई कर लेता हूँ और यहाँ रखा। आपकी मनपसंद चटनी के हिसाब से जो भी फटाफट बन सकती है भाई उसके साथ सर्व करें। इसी तरह के वड़े बनाएं लें और गर्मा गर्म परोसें।